हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अंश अरोड़ा। वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम करेंगे इनफॉर्मल फैलेसी को। फॉर्मल फैलेसी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं अपनी इनफॉर्मल फैलेसी को। लेट्स स्टार्ट। देखो, इनफॉर्मल फैलेसी क्या होती है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि फॉर्मल फैलेसी से अलग होती है। फॉर्मल फैलेसी में हम फॉर्म चेक करते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हमारे आर्ग्यूमेंट्स हैं या नहीं, बट इनफॉर्मल फैलेसी में हम कंटेंट को देखते हैं कि कंटेंट कैसा है। इट मींस कि ऐसा हो सकता है कि आपके आर्ग्यूमेंट जो है वो फॉर्मली तो वैलिड है, करेक्ट है, यानी फॉर्म में तो है, बट उसका मीनिंग जो है वो फालिशियस निकल रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे कौन सी फैलेसी आ जाएगी, हमारी इनफॉर्मल फैलेसी। इन कंट्रास्ट टू फॉर्मल फैलेसी, एन इनफॉर्मल फैलेसी ओरिजिनेट्स इन एन एरर इन रीजनिंग अदर एन इम्प्रॉपर लॉजिकल फॉर्म। ओके, यानी कि हमारी जो फैलेसी हो रही है वो इस वजह से नहीं हो रही कि इन प्रॉपर लॉजिकल फॉर्म में हमारी आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आर्ग्यूमेंट जो है वो ऐसा हो सकता है कि इनफॉर्मल फैलेसी में फॉर्मली तो वैलिड है बट फिर भी फॉलिशियस है, ठीक है। तो ये डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में भी हो सकता है और इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट में भी हो सकता है, दोनों में ही इनफॉर्मल फैलेसी अप्लाई होती है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि जो हमारी फॉर्म है वो तो बिल्कुल करेक्ट है बट वहाँ पे फिर भी उसका मीनिंग जो है वो फालिशियस निकल रहा है, इसलिए इनफॉर्मल फैलेसी जनरेट होगी। ओके, आई होप आपको समझ आया इनफॉर्मल फैलेसी। अब टाइप्स ऑफ फैलेसी अगर हम देखें तो बहुत सारी हैं। यहाँ पे इनफॉर्मल फैलेसीज, नंबर ऑफ इनफॉर्मल फैलेसीज हैं, तो इनको हम वन बाय वन करेंगे, ओके, क्योंकि काफ़ी सारी ही इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी आ सकते हैं। फैलेसी का टॉपिक बहुत वाइड है बट मैं स्टिल कोशिश कर रही हूँ कि वही फैलेसीज लाऊँ जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है, ठीक है। क्योंकि दिसंबर 2019 में भी काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं अगर हम इनफॉर्मल फैलेसीज को देखें तो, ठीक है, जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद फैलेसी ऑफ रेलिवेंस, आज हम इसको करेंगे। उसके बाद बाकी की फैलेसीज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि एक ही वीडियो में इतनी सारी फैलेसीज नहीं हो पाएंगी, ओके। तो पहली हमारी फैलेसी है यहाँ पे फैलेसी ऑफ रेलिवेंस। अगर फैलेसी ऑफ रेलिवेंस को देखें तो वहाँ पे फैलेसी जहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स और कंक्लूजन के बीच में या जो बात कही गई है, ठीक है, उसके जवाब में रेलिवेंस नहीं है, आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो वहाँ पे फैलेसी होती है हमारी फैलेसी ऑफ रेलिवेंस, ठीक है। देखो, पहली फैलेसी है यहाँ पे फैलेसी ऑफ रेलिवेंस की आर्ग्यूमेंटम एड बैकलम। देखो, आर्ग्यूमेंटम एड बैकलम फैलेसी वहाँ पे होती है जहाँ पे हम अपने आर्ग्यूमेंट को जस्टिफाई करने के लिए कोई कोरिएशन, फोर्स या थ्रेट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके अलग अलग नाम हैं, ठीक है, इन नामों को भी आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा क्योंकि कई बार क्या करते हैं, ये ट्रिक होती है एग्जामिनर की कि वो नाम चेंज करके ऑप्शन में दे देता है और हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो सभी नाम को एक बार रीड कर लेना, जो पॉपुलर नेम है मैं आपको बता दूंगी। इसका पॉपुलर नेम तो ऊपर लिखा ही हुआ है, आर्ग्यूमेंटम एड बैकलम। इसके साथ साथ अपील टू फोर्स भी काफ़ी पॉपुलर नेम है इसका, ठीक है, ओके। तो इनको आप एग्ज़ाम के हिसाब से लर्न कर लेना, थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। एक बार भी पढ़ लोगे तो मीनिंग से रिलेट करते हैं ये नाम, तो याद भी हो जाएंगे, ओके। तो मैंने अभी आपको बताया कि आर्ग्यूमेंटम एड बैकलम वहाँ आता है जहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स जो आप दे रहे हैं और उसका जो आप उसको कैसे जस्टिफाई करें, अपनी थ्रेट से जस्टिफाई करें, आप कोई फोर्स यूज़ कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, तो वहाँ पे फैलेसी आती है हमारी आर्ग्यूमेंटम एड बैकलम की। जैसे जॉर्डन ने पूछा अपने डैड से कि मुझे अपना समर कैंप, यानी कि समर सॉरी जीसस कैंप में क्यों बिताना पड़ेगा, तो उसके डैड ने कहा कि ऐसा है कि अगर तुम यहाँ पे स्पेंड नहीं करोगे ना तो तुम्हें एक रूम में अपनी समर जो है वो स्पेंड करनी पड़ेगी विद योर बाइबल, अपनी बाइबल के साथ सिर्फ, और कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। तो यहाँ पे एक जो उसके डैड हैं क्या कर रहे हैं, उसको धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, जबकि उन्हें एक जो बात है उसको बताना चाहिए, उसको रीज़न अच्छे से देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे फैलेसी कौन सी आ गई हमारी आर्ग्यूमेंटम एड बैकलम की। अब देखो, बॉस क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ को डराते हैं, धमकाते हैं कि अगर आपने प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट नहीं किया तो आप अपनी जॉब को लूज़ कर देंगे, होता है ना ऐसे। तो इसी से ही लर्न कर लेना, बॉस, बी से बॉस और बी से बैकलम, इट मीन्स अपील टू फोर्स की डराना, धमकाना, ओके। अब ये क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं।
I'm sure that you will agree that we should all work together to increase the profit of this company. Anyone not agreeing with this policy will be fired immediately. ठीक है, तो अगर ऐसा है कि आप सब इकट्ठे मिलकर काम, आप सब मेरे से एग्री होंगे कि सभी ने इकट्ठे मिलकर काम करना है, अगर आप नहीं करेंगे ठीक है तो फिर आपको फायर कर दिया जाएगा. तो यहाँ पे कौन सी फैलेसी हो रही है? मेरी एड बैकलम की फैलेसी हो रही है. ठीक है, अब अगली है हमारी फैलेसी, आर्ग्यूमेंटम एड मिसकैरिएंटम. अब मिसकैरिएंटम यहाँ से निकलता है, देखो मर्सी से. ठीक है, एम से मिसकैरिएंटम, एम से मर्सी. मर्सी मैंने पिटी, दया, सिंपथी. तो इसको और कौन किस नाम से जाना जाता है? अपील टू पिटी, अपील टू सिंपथी भी. तो दोनों ही नाम इसके, ये तीनों ही नाम पॉपुलर है. ठीक है, तो तीनों में से कोई भी नाम दे सकता है एग्जामिनर. और इस फैलेसी का मतलब है कि जब हम अपने आर्ग्यूमेंट को जस्टिफाई करने के लिए हम ऐसा रीज़न देते हैं कि सिंपथी दिखा रहा हो, जो पिटी दया इस तरीके से, ठीक है देखो ये कितना गरीब है, इसके साथ ऐसे मत करो, जबकि वो गलत है. ठीक है, अब क्या कोई गरीब है या फिर कोई बीमार है तो वो कुछ भी कर ले, तो वो क्या जस्टिफाई कर सकते हैं हम उस चीज़ को? नहीं कर सकते ना. तो इस तरीके से ठीक है हम उसे मिसकैरेंडम आर्ग्यूमेंटम एड मिसकैरेंडम की फैलेसी होगी वहाँ पे. जैसे एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे. ठीक है, जिंजर ने कहा योर डॉग जस्ट रन इनटू आवर हाउस एंड रैनसैक्ड आवर किचन. देखो तुम्हारा जो डॉग है एकदम से अंदर आया घर पे और उसने सब सारी किचन हमारी बिखेर दी. तो मैरी कहती वो तो ऐसा कर ही नहीं सकता, उसको देखो उसकी कितनी प्यारी आंखें हैं. तो क्या क्योंकि वो भोला भाला दिखता है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना उसने कोई गलत काम ही नहीं किया? ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी फैलेसी हमारी यूज़ हो रही है? आर्ग्यूमेंटम एड मिसकैरेंडम, अपील टू पिटी, अपील टू सिंपथी. ओके, तो जैसे यहाँ पे इस पिक्चर से आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि ये कोई बूढ़ा व्यक्ति है तो उसका वकील ये जस्टिफाई कर रहा है, मतलब उसको कि कह रहा है कि भैया ये इतना बूढ़ा है तो ये कैसे मर्डर कर सकता है? तो बूढ़े लोग भी तो मर्डर कर सकते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि कोई ओल्ड एज हो गया तो वो कोई गलती ही नहीं करेगा, या फिर उस पर सिर्फ इसीलिए दया कर दो कि वो ओल्ड है, चाहे वो किसी का खून भी कर दे. ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी हमारी फैलेसी है? एड मिसकैरेंडम. ठीक है, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं. इफ़ ही इज़ इन प्रिजन फॉर लाइफ, अगर उसे इम्प्रिजनमेंट मिलती है पूरी लाइफ के लिए, तो कोई उसके बच्चे की केयर करने के लिए नहीं है फैमिली में, बट अगर उसने ऐसा काम ही ऐसा किया है कि उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है लाइफ की, तो सिर्फ इस बात से हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते. ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी फैलेसी आ गई? एड मिसकैरेंडम की. यहाँ पे उस पर दया की जाए, पिटी की जाए, सिंपथी दी जाए. ठीक है, जहाँ हम सिंपथी लेने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है, तो वहाँ पे कौन सी फैलेसी आ गई? एड मिसकैरेंडम. ठीक है, अब देखो ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है हमारा दिसंबर 2019 में. ठीक है, मिस्टर एक्स लिव्स इन ए स्लम, वो स्लम में रहता है एंड इज अनएम्प्लॉयड, और वो बेरोजगार है. देयरफॉर उस वो डिजर्व करता है कि मिनिस्टर बन जाए. तो वो कैसे डिजर्व करता है भैया मिनिस्टर बन जाए? कोई झोपड़ी में रह रहा है, उसको बेरोजगार है, अगर वो लायक ही नहीं है, उसमें एबिलिटीज ही नहीं है मिनिस्टर बनने की, तो वो कैसे बन सकता? तो यहाँ पे वो अपनी आर्ग्यूमेंट को जस्टिफाई करने के लिए क्या दलीलें दे रहा है? यहाँ पे वही पिटी लेने की कोशिश कर रहा है, सिंपथी लेने की कोशिश कर रहा है. तो यहाँ पे कौन सी फैलेसी आ गई? इस एड मिसकैरेंडम. तो इस तरह की फैलेसीज क्वेश्चंस में आ रही हैं, तो सभी फैलेसीज को थोड़ा सा मतलब अच्छे से वीडियो को देखना ठीक है, पढ़ना. ओके, तो ऑप्शन टू इज करेक्ट. नेक्स्ट है हमारी आर्ग्यूमेंटम एड पॉपुलम. अब देखो आर्ग्यूमेंटम एड पॉपुलम क्या है? देखो इसके बहुत सारे नाम है पहले तो, बट वही है, मीनिंग से रिलेटेड रिलेट कर सकते हैं हम. ठीक है, अपील टू कॉमन बिलीफ इसका काफ़ी पॉपुलर नेम है, और अपील टू पीपल, अपील टू मासेस, ये सब एक बार पढ़ लेना आप. ठीक है, देखो ये ज़्यादा इसके अपील टू पॉपुलैरिटी. ठीक है, ये भी पॉपुलैरिटी से यूज़ हुआ, और पॉपुलम और पॉपुलैरिटी एक ही बात है, तो मतलब पी से पॉपुलैरिटी और पीपी से पॉपुलम, तो ये भी लर्न करने में ईजी है. ओके, अब देखो मीनिंग क्या है इसका? मीनिंग है कि अगर हम अपने आर्ग्यूमेंट को ट्रू प्रूफ कराने के लिए या जस्टिफाई कराने के लिए हम ये कहें कि इतने सारे लोग ये काम कर रहे हैं तो ये काम गलत नहीं है, इतने सारे लोग भैया ड्रग्स ले रहे हैं तो ये काम गलत नहीं है, इतने सारे लोग सिगरेट पी रहे हैं तो ये काम गलत नहीं है, तो इस तरीके के आर्ग्यूमेंट जब हम देते हैं तो वो कौन से आर्ग्यूमेंट होंगे हमारे? आर्ग्यूमेंटम एड पॉपुलम. ठीक है, व्हेन द क्लेम दैट मोस्ट एंड मैनी पीपल इन जनरल
ऑफ और ऑफ ए पार्टिकुलर ग्रुप एक्सेप्ट ए बिलीव एज अ ट्रू प्रेजेंट एज इविडेंस फॉर द क्लेम. एक्सेप्टिंग अनदर पर्सन्स बिलीव, मैनी पीपल बिलीव विदाउट डिमांडिंग इविडेंस. यानी कोई इविडेंस तो हम नहीं मांग रहे, बट क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारी चीज़ को बिलीव करो क्योंकि बहुत से लोग इसको कर रहे हैं. ठीक है, तो अब उस वहाँ पे कौन सी फैलेसी आएगी, आर्ग्यूमेंटम एड पॉपुलम. ओके, तो जैसे एक एग्जांपल है कि लेट सेंचुरी से पहले ज़्यादातर पर्सन्स क्या बिलीव करते थे कि अर्थ जो है सेंटर है यूनिवर्स का, जबकि इसका कोई प्रूफ नहीं था, बट बहुत सारे लोग ये मानते थे तो उसको सच माना जाता था. ठीक है, अब जैसे देखो इस पिक्चर में देखो, इसने कहा कि ये भाई ये जो है ना हमारे जैसा दिखता है, इसने भी कहा हाँ हमारे जैसा दिखता है, तो बाकी सब मानने लग गए कि हमारे जैसा दिखता है, बल्कि ये क्या है अलग है ना थोड़ा. ठीक है, तो इस यहाँ पे कौन सी फैलेसी है, एड पॉपुलम की. ठीक है, देखो ये एग्जांपल देखते हैं. आर्ग्यूइंग दैट द क्लेम मस्ट बी ट्रू मियरली बिकॉज ए सब्सटेंशियल नंबर ऑफ पीपल बिलीव्ड. हम क्लेम को क्यों ट्रू मान रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बंदे इस चीज़ पे बिलीव करते हैं. तो वहाँ पे कौन सी फैलेसी आती है, अपील टू मासेस, विच इज अनदर नेम ऑफ एड पॉपुलम. ओके, एवरी वन इज गोइंग टू पार्टी, सब पार्टी पे जा रहे हैं, यू शुड गो टू, तुम्हें भी जाना चाहिए. द इन्फ्रेंस कम्स विच काइंड ऑफ एड पॉपुलम. ठीक है, कि हम बहुत सारे जा रहे हैं भैया तुम भी जाओ, जैसे बच्चे करते हैं ना, बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं हम भी करें, नहीं ऐसा नहीं. ठीक है, तो वहाँ पे फैलेसी क्या होगी, एड पॉपुलम की फैलेसी. ओके, अब नेक्स्ट है हमारी आर्ग्यूमेंटम एड होमिनम. तो देखो आर्ग्यूमेंटम एड होमिनम में यहाँ पे जो दूसरे नाम हैं इसके वो देखते हैं. देखो पर्सनल अब्यूज, पर्सनल अटैक, अब्यूजिव फैलेसी, जहाँ पे हम अपने आर्ग्यूमेंट को जस्टिफाई करने के लिए दूसरे बंदे के ऊपर पर्सनली अटैक कर रहे हैं. ठीक है, तो वहाँ पे कौन सी फैलेसी आती है, आर्ग्यूमेंटम एड होमिनम. ठीक है, तो इसको इस तरीके से याद कर सकते हो, होम, होम क्या होता है, हमारा पर्सनल होता है ना, तो पर्सनली जब हम अटैक करते हैं तो क्या है, आर्ग्यूमेंटम एड होमिनम. ठीक है, अटैकिंग द पर्सन मेकिंग द आर्ग्यूमेंट रादर देन द आर्ग्यूमेंट इट्स सेल्फ. यानी कि हम आर्ग्यूमेंट पे तो ध्यान नहीं दे रहे हैं, बल्कि उसके ऊपर पर्सनली अटैक कर रहे हैं. ठीक है, जो उसने बोला उसके अगेंस्ट उसको प्रूफ करने के लिए उसके ऊपर पर्सनली अटैक किया जा रहा है. ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं. यू क्लेम दैट एवरी वन शुड हैव एक्सेस टू फ्री हेल्थ केयर, बट दिस वुड बी मीन दैट यू वुड गेट फ्री हेल्थ केयर योर सेल्फ, देयर फॉर वी शुड नॉट हैव फ्री हेल्थ केयर. यानी कि एक बंदे ने ये कहा कि फ्री हेल्थ केयर होना चाहिए, बट दूसरे ने कहा कि तुम तो इसलिए चाहते हो क्योंकि तुम अपने खुद के लिए ये चीज़ चाहते हो. तो यहाँ पे क्या हो गया, पर्सनली अटैक कर रहा है ना उसके ऊपर कि भाई तुम खुद के लिए चाहते हो ना हेल्थ केयर, इसलिए तुम कह रहे हो, बल्कि उसने सभी के लिए कहा था. तो उसके आर्ग्यूमेंट को गलत प्रूफ करने के लिए पर्सनली अटैक करना, फैलेसी ऑफ एड होमिनम. ठीक है, जैसे लूसी इज रनिंग फॉर द क्लास प्रेसिडेंट, अपने क्लास प्रेसिडेंट के लिए वो खड़ी हुई है. इन हर कैंपेन स्पीच, उसने अपने कैंपेन की स्पीच में कहा कि जो मेरी ओपोनेंट है ना वो डिजर्व नहीं करती विन करने के लिए, क्योंकि वो क्या कर रही है, वो एक स्मोकर है और उसने अपने बॉयफ्रेंड को लास्ट ईयर चीट भी किया था. तो ये क्या हुआ, ये कोई जो उसने आर्ग्यूमेंट दिया क्या वो सही है, उसके ऊपर पर्सनली अटैक करिए, इसका इससे क्या रिलेशन, कोई रिलेशन ही नहीं है इस चीज़ का. ठीक है, तो यहाँ पे जो फैलेसी हुई कौन सी, एड होमिनम, क्योंकि पर्सनली अटैक करिए और कोई रिलेशन नहीं है उसकी बात में. ठीक है, अब आता है रेड हेयरिंग. रेड हेयरिंग के भी काफ़ी सारे नाम है, ये प्लीज़ आप पढ़ लेना. इसमें से इग्नोरेंस ऑफ रिफ्यूटेंट और यहाँ पे चेंजिंग द सब्जेक्ट, फॉल्स इम्फेसिस, ये काफ़ी पॉपुलर नेम है. ठीक है, मीनिंग देखते हैं इसका. देखो रेड हियरिंग क्या होता है, जब हम अपनी बात को कहने के लिए, इट मीन्स यानी कि जब हम किसी का ध्यान भटकाते हैं. ठीक है, डेलिब्रेटली हम डाइवर्जन करते हैं अटेंशन किसी की. ठीक है, ताकि वो जो बोल रहे हैं ना उससे उसका ध्यान हट जाए. अटेम्प्टिंग टू रीडायरेक्ट द आर्ग्यूमेंट, यानी कि हम अटेम्प्ट कर रहे हैं रीडायरेक्ट करने के लिए आर्ग्यूमेंट को, अनदर इशू पे जा रहे हैं. ठीक है, डूइंग द रीडायरेक्ट कैन बेटर रिस्पॉन्ड. रेड हियरिंग इज डेलिब्रेट डाइवर्जन ऑफ द अटेंशन, जहाँ पे हम डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं पर्सन को. जैसे छोटे बच्चे को करते हैं ना कि जैसे बच्चे ने कहा कि मुझे
ये चीज़ चाहिए या वो चीज़ चाहिए, तो हम उसको कहते हैं कि इधर देखो उधर देखो, उसका ध्यान कहीं और लगाने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे फैलेसी आती है मेरी रेड हेयरिंग की। जैसे किसी बच्चे से उसके पेरेंट्स ने पूछा कि आपके मैथ के एग्ज़ाम में मार्क्स कितने हैं, तो उसने क्या बातें करनी शुरू कर दी कि आज का वेदर कैसा है, तो क्या किया, घुमा दिया ना बात को, यानी कि उसका ध्यान डाइवर्ट कर देना, अब जो मेन पॉइंट है उसके ऊपर ना रहे, डाइवर्ट कर दें हम ध्यान, तो वहाँ पे फैलेसी होगी रेड हेयरिंग की। जैसे इसने बच्चे ने मांगा भाई ट्राई अपनी मदर से, तो उसने क्या कहा कि घर पे भैया मैंने तुम्हारे लिए यम्मी ट्रीट बना रखी है तो वो खाएंगे, तो उसका ध्यान भटकाने के लिए ट्राई से मम्मी ने ये बात कह दी। तो यहाँ पे कौन सी फैलेसी आ गई हमारी, रेड हेयरिंग फैलेसी। ओके, दिस लॉजिकल फैलेसी इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन किसको कहेंगे, जहाँ पे हम डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें वो है रेड हेयरिंग। ठीक है, अब आते हैं इग्नोरेंस एलाइजी पे। देखो ये क्या है, इसको हम कह सकते हैं मिसिंग द पॉइंट और इरिलीवेंट कंक्लूजन भी कह सकते हैं, जहाँ पे हमारे जो बात हम कह रहे हैं ना उसका उससे कोई रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ही हम गलत कंक्लूजन निकाल रहे हैं जो हमारा आर्ग्यूमेंट है उससे। इग्नोरेंशियल एलाइजी इज ए नेम यूज फॉर आर्ग्यूमेंट्स हुज प्रीमाइसेस हैव नो डायरेक्ट रिलेशन ऑन द क्लेम एट इशू। ओके, इन दिस सेंस ऑफ द टर्म ऑलमोस्ट एनी फैलेसी कुड बी कंसिडर्ड एट इंस्टेंस ऑफ इग्नोरेंशियल एलाइजी। मतलब हर ऐसी फैलेसी जो भी रिलीवेंट है हम उसको कह सकते हैं इग्नोरेंशियल एलाइजी, बट हम कुछ अपने क्वेश्चन के टाइम पे जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो बिल्कुल देखेंगे कि उसका क्या बिल्कुल ही रिलेशन ही नहीं है, बिल्कुल ही वो अलग है जो कंक्लूजन है उससे। ठीक है, तो ये फैलेसी आएगी हमारी इग्नोरेंशियल एलाइजी की। जैसे यहाँ पे देखो पेंगुइन आर ब्लैक एंड वाइट, पेंगुइन ब्लैक एंड वाइट है, तो ओल्ड टीवी भी क्या थे ब्लैक एंड वाइट, तो पेंगुइन भी क्या है ओल्ड टीवी शो है। क्या कहीं से भी इसका इससे रिलेशन बन रहा है, नहीं बन रहा ना सिर्फ ये देख के कि मिडिल टर्म सेम है हम कहें कि नहीं भैया कंक्लूजन भी ठीक है, तो मीनिंग में तो कोई हमारा कंटेंट के अंदर यहाँ पे हमारी फैलेसी आ गई, कोई रिलीवेंस ही नहीं है, तो कौन सी फैलेसी होगी इग्नोरेंशियल एलाइजी। ठीक है, विच टाइप ऑफ लॉजिकल फैलेसी इज इलिस्ट्रेटेड बिलो। देखो कहा है कि द चॉकलेट पाई मस्ट बी बैड, कि बुरी होगी चॉकलेट पाई क्योंकि कोई भी इसे ले ही नहीं रहा है, तो कोई ले नहीं रहा है तो यहाँ पे कौन सी फैलेसी आ गई हमारी इग्नोरेंशियल एलाइजी, क्योंकि रिलेशन ही नहीं है इसका, कोई नहीं ले रहा तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि वो बुरी है। ठीक है, अब आता है हमारा स्ट्रॉमैन फैलेसी। अब स्ट्रॉमैन फैलेसी नेक्स्ट है हमारा स्ट्रॉमैन फैलेसी। अब देखो स्ट्रॉमैन फैलेसी क्या है, सब्स्टिट्यूटिंग ए पर्सन एक्चुअल पोजिशन एंड आर्ग्यूमेंट विद डिस्टॉर्टेड एक्सट्रैक्टेड एंड मिसरिप्रेजेंटेड वर्जन ऑफ द पोजिशन ऑफ द आर्ग्यूमेंट। यानी कि जब हम किसी बंदे की एक्चुअल पोजिशन तो देख नहीं रहे, उसने क्यों ये आर्ग्यूमेंट दिया उसको अंडरस्टैंड कर नहीं रहे, बल्कि उसको मिसरिप्रेजेंट करके उसका वर्जन और अपना आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, तो वहाँ पे फैलेसी आती है हमारी स्ट्रॉमैन फैलेसी। जैसे कि एक बंदे ने कोई बात कही और उसकी रीज़न तो हम समझ नहीं रहे वो क्यों ऐसा कह रहा है, उसकी एक्चुअल पोजिशन को हम समझ नहीं रहे, बल्कि उसका एक डिस्टॉर्टेड वर्जन बोल के हम उसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पार्टिसिपेंट्स ने कहा कि जनरली एक प्रिंसिपल है कि एक आदमी को एक औरत को हिट नहीं करना चाहिए, बट कुछ सर्टेन सिचुएशन में जैसे कि सेल्फ डिफेंस के अंदर ये चीज़ें परमिट कर देनी चाहिए कि एक आदमी भी हिट कर सके एक वुमेन को, बट दूसरी ओपोनेंट उसी टाइम उसकी बात तो समझी नहीं, उसकी एक्चुअल पोजीशन क्या है किस वजह से वो कह रहा है, बस अपना आर्ग्यूमेंट देना शुरू कर दिया, उसका एक डिस्टॉर्टेड वर्जन उसने दे दिया कि भाई मेरा ओपोनेंट ये कह रहा है कि मैन को तो हिट करना चाहिए वुमेन को, और एक फेमिनिस्ट होने के नाते मैं इस चीज़ को डिसएग्री करती हूँ, और वो ये क्या चाहते हैं कि वॉयलेंस हो अगेंस्ट वुमेन के, और काफ़ी सालों से ये होता चला आ रहा है, अब 2019 में स्टॉप होना चाहिए। तो यहाँ पे जो सेकंड पार्टिसिपेंट्स हैं सामने वाले की जो पोजीशन है उसको समझ नहीं रहा, उसके डिस्टॉर्टेड वर्जन दिए जा रहा है आर्ग्यूमेंट के, तो यहाँ पे फैलेसी होगी मैं स्ट्रॉमैन फैलेसी के। यहाँ इस चीज़ को ध्यान रखना, इन दोनों फैलेसीज को डिफ्रेंशिएट करना एड होमिनम और स्ट्रॉमैन को, क्योंकि वहाँ पे जो है पर्सनली अटैक किया जाता है एड होमिनम में, पर स्ट्रॉमैन में उसकी एक्चुअल पोजीशन को उसको अंडरस्टैंड नहीं किया जाता और डिस्टॉर्टेड वर्जन दिया जाता है उसको, उसको मिसलीड किया जाता है। ठीक है, जैसे दिस आर्ग्यूमेंट सिंपली इग्नोर्स ए पर्सन एक्चुअल पोजीशन एंड सब्स्टिट्यूटेड डिस्टॉर्शन एग्जर्शन एंड मिसरिप्रेजेंटेड वर्जन ऑफ दैट पोजीशन। जैसे कि ये जो बंदा है इसने कहा कि लंच बजट को थोड़ा सा एग्जामिन करना चाहिए ताकि हम वेस्ट को कट आउट कर सकें, बट ये बंदा जो उसके पेरेंट हैं वो क्या कह रहा है कि भैया ये तो हमारे बच्चों को क्या करेंगे भूखा ही मार देंगे, तो
क्या कर रहा है यहाँ पे, उसकी एक्चुअल पोजीशन तो समझ नहीं रही। और रियल लाइफ में भी आप देखेंगे ना, तो ऐसे बहुत से हम वाक्य आपको नज़र आएंगे। अभी एक नेहा धूपिया की भी वीडियो आ रही थी, तो वहाँ पे वो नेहा धूपिया क्या कर रही है कि थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, तो क्या कर रही थी, स्ट्रॉ मैन आर्ग्यूमेंट ही था वहाँ पे। क्योंकि देखो, अगर एक लड़की अगर गलत करेगी तो लड़के को हक है कि वो भी मार सकता है। तो वहाँ पे भी क्या है कि आप उसकी एक्चुअल पोजीशन तो देख नहीं रहे हो, बट उसका एक डिस्टॉर्टेड वर्जन बता रहे हैं। तो यहाँ क्या है, स्ट्रॉमैन फैलेसी आ रही है। ओके, अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन ए पर्सन इग्नोर्स ए पोजीशन ऑन एन इशू एंड इंस्टेड एग्जिगरेटेड मिसप्रेजेंटेशन और क्रिएट्स ए डिस्टॉर्शन वर्जन ऑफ दैट पोजीशन, वी कॉल दिस ए, तो इसको क्या कहेंगे हम यहाँ पे, स्ट्रॉमैन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, उसके एक्चुअल पोजीशन तो देख नहीं रहे हैं और हम अपना एक डिस्टॉर्टेड वर्जन बता ही जा रहे हैं, अपने आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो यही फैलेसी हमारी आई हुई है, ठीक है, दिसंबर 2019 के अंदर भी। ए फैलेसी इन विच द ओपोनेंट पोजिशन इज डिपिक्टेड एज बींग मोर एक्सट्रीम एंड अनरीजनेबल देन द जस्टिफाइड बाई वट द एक्चुअल असर्टेड इज कॉल्ड, जो वो एक्चुअल में कहना चाह रहा है उसको तो अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, बल्कि एक्सट्रीमली अनरीजनेबलली हम वो कर रहे हैं। तो क्या होएगा यहाँ पे हमारा आंसर, स्ट्रॉमैन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। अब नेक्स्ट है हमारा एक्सीडेंट फैलेसी। ओके, देखो जो एक्सीडेंट फैलेसी है उसके बहुत सारे नाम हैं, जिसमें से हमारा डिस्ट्रॉइंग द एक्सेप्शन, रिवर्स एक्सीडेंट एंड फैलेसी ऑफ जनरल रूल और स्वीपिंग जनरलाइजेशन काफ़ी पॉपुलर रहे हैं। ठीक है, तो एक्सीडेंट देखो होता क्या है, एक्सीडेंट फैलेसी तब होती है जब कोई जनरल रूल है, ठीक है, कोई जनरल रूल है, उससे हम किसी स्पेसिफिक कंक्लूजन पे जा रहे हैं। ठीक है, कोई जनरल रूल बना हुआ उससे हम स्पेसिफिक कंक्लूजन पे जा रहे हैं, बट गलत जा रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे कौन सी फैलेसी होगी हमारी, एक्सीडेंट फैलेसी। फॉर एग्जांपल, कटिंग पीपल विद नाइफ इज़ ए क्राइम। ठीक है, लोगों को नाइफ से काटना क्या है, एक क्राइम है, एक जनरल प्रिंसिपल है हमारा, जनरल रूल है। अब सर्जन जो है, अब किस पे चलेगा हम स्पेसिफिक में, हम किसके ऊपर चलेंगे, सर्जन के ऊपर, भाई सर्जन भी तो कट करते हैं नाइफ से पीपल को, अब इसका मतलब सर्जन भी क्रिमिनल है। तो क्या कर रहे हैं हम, जब कंक्लूजन पे जा रहे हैं तो एक जनरल प्रिंसिपल से हम एक कंक्लूजन पे जा रहे हैं स्पेसिफिक, जो कि गलत है, गलत तरीके से जा रहे हैं, फालिशियस है। तो वहाँ पे क्या होगा हमारा, एक्सीडेंट फैलेसी, क्योंकि ये कनेक्ट नहीं हो रहे ना, एक्सीडेंटली यहाँ पे मैचिंग हो रही है इस चीज़ की कि वो भी कट करते हैं या नाइफ से, और कट करना एक मतलब क्राइम है। तो यहाँ पे क्योंकि सिचुएशन अलग है, इसलिए यहाँ पे फैलेसी हमारी क्या होगी, एक्सीडेंट फैलेसी, क्योंकि जनरल प्रिंसिपल से स्पेसिफिक पे जाते हुए हम गलती कर रहे हैं। ठीक है, विच फैलेसी डज द आर्ग्यूमेंट, एक आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है हमें कि चिल्ड्रन और मेंटली इल पर्सन है वो वोट नहीं दे सकते, एक जनरल रूल है ये, बट एक स्पेसिफिकली हम किस पे जा रहे हैं कि स्टेट ऑफ अफेयर्स प्रूफ दैट, जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है उससे प्रूफ होता है कि अमेरिका जो है फ्री नहीं है एट ऑल, इफ़ फ्यू उनमें से कुछ ऐसे हैं जो इनएलिजिबल है राइट टू लिबर्टी के। अब कुछ बंदे भैया सभी ने ही ऐसे कर रखे हैं, जनरल रूल है ये कि जो चिल्ड्रन होते हैं और मेंटली इल पर्सन होते हैं उनको वोट नहीं दे सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका जो है वो फ्री नहीं है। ठीक है, क्योंकि कुछ बंदों को वहाँ पे राइट टू लिबर्टी नहीं है। तो यहाँ पे जो कंक्लूजन स्पेसिफिक पे गए वो गलत गए, तो यहाँ पे हमारी कौन सी फैलेसी होगी, एक्सीडेंट फैलेसी। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे करेंगे अपनी फैलेसी ऑफ सफिशिएंसी को नेक्स्ट वीडियो में, और फैलेसी ऑफ एम्बिग्यूटी को भी हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो, कीप स्टडी, स्टे ब्लेस्ड। ओके, बाय।